नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर, आप सभी का स्वागत है भाग्य मंथन में। मित्रों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कर्क राशि, अगस्त महीना, मासिक राशिफल 2021। इसमें सबसे पहले हम ग्रह गोचर की बात करेंगे, जिसे राशि परिवर्तन भी कहा जाता है, और उसके पश्चात कर्क राशि के सभी महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं जीवन के, उन पर चर्चा करी जाएगी, जैसे कि आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख दुख, आपका जीवन साथी, प्रेम संबंध, व्यवसाय, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और अंत में सबको समेटते हुए जानेंगे ज्योतिषीय उपचार। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नवग्रह गोचर से। यह देखिए स्क्रीन पे अभी आपको जो चार्ट दिख रहा है, ये नवग्रह गोचर अगस्त 2021 का है। सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, सर्वप्रथम आते हैं। तो 16 तारीख तक सूर्य ग्रह कर्क राशि में विराजमान है। 16 के बाद 17 तारीख को यह गोचर करके कर्क राशि से अपनी स्वराशि सिंह में आ जाएंगे, अपने घर में आ जाएंगे। लगा लीजिए मंगल ग्रह पूरे माह सिंह राशि में ही विराजमान है, और कहीं भी इनका कोई गोचर राशि परिवर्तन मंगल ग्रह का नहीं होगा। बुध ग्रह इस माह में 3 स्थितियां अपनी बदलेंगे। महीने की शुरुआत से 8 तारीख तक यह रहने वाले हैं कर्क राशि में। 8 तारीख के बाद 9 तारीख को यह गोचर करेंगे और 26 तारीख तक सिंह राशि में रहेंगे, मित्र सूर्य की राशि में, और उसके बाद 26 तारीख को फिर एक बार गोचर करके महीने के अंत तक विराजमान रहेंगे ये अपनी स्वराशि कन्या में, अपनी अपने घर में एक प्रकार से। इस हिसाब से बृहस्पति कर पूरे महीने रहेंगे कुंभ राशि में, वक्री अवस्था में। शुक्र ग्रह की स्थिति 2 बार बदल रही है इस माह में। 10 तारीख तक रहेंगे सिंह राशि में और 11 तारीख को गोचर करके चले जाएंगे कन्या राशि में। आपको बताना चाहूंगा, कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच के होते हैं, अर्थात अच्छा फल नहीं देते। शनि ग्रह रहेंगे मकर राशि में पूरे माह, राहु ग्रह भी वृषभ राशि में रहने वाले हैं पूरे माह, केतु ग्रह भी रहने वाले हैं वृश्चिक राशि में पूरे महीने। इन सभी चीजों को आधार बनाकर हमने आपका जो पूरा राशिफल है वो तैयार किया। तो चलिए स्क्रीन पर से अब हटा लेते हैं हम यह कुंडली, आ जाएगी आपकी चंद्र कुंडली इस महीने की। ये देखिए, ये है आपकी चंद्र कुंडली अगस्त महीने की, इस प्रकार से बनेगी। हमने चंद्रमा को लग्न में रखा हुआ है क्योंकि आपकी राशि को दर्शाने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले यदि हम यहां पर बात करेंगे आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, क्योंकि आर्थिक रूप से जब आप सफलता पाते हैं तो उसका फर्क जीवन के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। तो आर्थिक रूप से यह महीना कैसे होने वाला है, यह हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। आपकी चंद्र कुंडली में आएंगे यह धन भाव में ही 17 तारीख के बाद से, उससे पहले यह विराजमान रहेंगे आपकी राशि के बिल्कुल ऊपर, अर्थात 16 दिन आपकी राशि के ऊपर रहने वाले हैं, और उसके बाद बाकी के बचे हुए दिन यह रहने वाले हैं सिंह राशि के ऊपर। तो इस दृष्टिकोण से देखें। और दूसरा, लाभ भाव के जो आपके स्वामी हैं शुक्र, वो आपके विराजमान रहेंगे, वो भी यहीं पर रहेंगे, धन भाव में रहेंगे, और उसके बाद 11 तारीख के बाद से पराक्रम भाव में चले जाएंगे। तीसरा हाउस है आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो धन की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं कहूंगा, मिले जुले फल देने वाली साबित होगी, और इस पूरे महीने में जो धन देने का कार्य आपको कर रहे हैं वो मुझे मुख्य रूप से लगता है कि आपको देंगे शुक्र ग्रह। हालांकि 10 तारीख के बाद यह अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो महीने का शुरुआती दौर है 10 तारीख तक ये धन देने का आपको कार्य कर रहे हैं, लेकिन 10 तारीख के बाद से फिर ये जब चले जाएंगे आपके पराक्रम भाव में अपनी नीच राशि में, तब यहां से ये भी थोड़ी सी रुकावट का सामना करेंगे, तो यहां पर आपको फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। धन भाव के स्वामी धन भाव में ही विराजमान रहेंगे 17 तारीख के बाद पर, लेकिन चंद्रमा से यह दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुभ नहीं है। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी आपको महीने के जो शुरुआती 10 दिन है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर से धन संबंधी मामलों के दृष्टिकोण से अच्छे रहने वाले हैं,
यहां पर आपको धन की अच्छी खासी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके बाद का जो पूरा महीना है कहीं ना कहीं आपको हिसाब किताब और खर्चों को संभालते हुए पूरा महीना कहीं ना कहीं मैनेज करना है। कोशिश करिएगा जो बचत है उसको प्रभावित ना होने दें और आप इस तरीके से अपने खर्चों को मैनेज करें कि पूरा महीना निकल जाए बस किसी तरीके से। तो इसीलिए आर्थिक स्थिति का यहां पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है आपको। इस समय पर यदि कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो 10 तारीख से पहले पहले कर लीजिए और वो भी सोच समझ के करिएगा। 10 तारीख के बाद मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि कोई शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्टमेंट करें। कोई ऐसा शेयर मार्केट सट्टे से रिलेटेड कोई भी सट्टा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरी आपको राय है कि 10 से पहले पहले आप कर लें, उसके बाद फिर आपको थोड़ा रुकना चाहिए, मार्केट को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसी के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं जो कर्क राशि वालों की पारिवारिक सुख शांति की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए चंद्र कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है कुटुंब भाव और चतुर्थ भाव होता है सुख भाव, तो सूर्य और शुक्र ही उसके कारक बन रहे हैं इस समय पर। सूर्य कहीं ना कहीं अपना आपके कुटुंब भाव में ही विराजमान रहेंगे और सुख भाव के स्वामी शुक्र हैं वो भी कुटुंब भाव में रहने वाले हैं 10 तारीख तक और उसके बाद चले जाने वाले हैं अपनी नीच राशि में जो कि पराक्रम का क्षेत्र है। देखिए मैं यहां आपको यह चीज समझाना चाहूंगा, यह महीना थोड़ा सा असंतुष्टियां लेकर आपकी तरफ बढ़ रहा है और इन असंतुष्टियों को केवल आप ही बनाएंगे अपने कारण से, अपने आप सोच करके, चीजों को ज्यादा सोच करके या फिर जो चीजें घट रही हैं उनका मंथन ना करने के कारण कहीं ना कहीं अवसाद की स्थिति बनती है, तो कहीं ना कहीं आप खुद ही रूठ कर परेशान हो जाएंगे और उसका प्रभाव आपके साथ रहने वाले लोगों को भी जो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है यहां पर आपको थोड़ा सा समझ के चलना चाहिए, क्योंकि देखिए कुटुंब भाव में 4 ग्रह इस समय पर रहेंगे लगभग एक साथ में और फिर जो कि सूर्य भी बने रहेंगे, तो यहां पर थोड़ी सी स्थिति ऊपर नीचे होती है। कई बार ऐसा होता है कि मन की नहीं हो पाती है चीजें, उस प्रकार से नहीं हो पाती हैं जैसे आप सोचते हैं। तो इस चीज को समझ करके आपको कोई भी नाराजगी जतानी है या फिर गुस्सा होना है या किसी को कुछ बोलना है, आपको वाणी पर बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जो कुटुंब भाव होता है उसे हम वाणी भाव भी कहते हैं। वाणी भाव में 2 गर्म ग्रह आ जाएंगे, 17 तारीख के बाद सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पर और मंगल तो यहाँ विराजमान नहीं रहेंगे। मंगल जब वाणी भाव में विराजित रहते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें बुलवा देते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली होती हैं, पीड़ा दे देती हैं सामने वाले को, और कहीं ना कहीं आप इस बात को जब बाद में आराम से बैठ के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिए पारिवारिक सुख शांति आपके हाथ में है इस माह, इसे संभाल के रखिए और अपने स्वभाव को अच्छा बना के रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पारिवारिक सुख शांति से और इसको देखेंगे। आगे हम व्यापार और व्यवसाय, बहुत जरूरी जो हमारे व्यापारी भाई हैं, व्यवसायी लोग हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए चंद्र कुंडली का दशम भाव जो होता है इसके लिए जिम्मेदार होता है। हालांकि किसी भी चीज को देखने के लिए बहुत सारे कई एंगल होते हैं, हम कई बार जब किसी का पर्सनल कुंडली विश्लेषण करते हैं तो उसमें वो सभी एंगल देख सकते हैं हम, क्योंकि इतना समय होता है हमारे पास, यहां पर हमारे पास सीमित समय होता है, तो उसमें हम जो बहुत ही बेसिक और मेन चीज होती है उसको देखकर आपको बताते हैं। तो यहां पर जो आपके कर्म भाव के स्वामी बन जाते हैं मंगल, और मंगल पूरे माह मित्र राशि सूर्य के साथ, मित्र राशि सिंह में बैठने वाले हैं सूर्य के साथ 17 तारीख के बाद, तो कहीं ना कहीं मित्रों स्थिति अच्छी है और कंट्रोल में है, अग्रेशन है कामों को लेकर, उत्साह है आप इस समय पर आपके अंदर कार्य को लेकर, तेजी भी है आपके समक्ष, जो काम आएंगे आप उन्हें तेजी से कर देंगे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से जब मैं देख रहा हूं, क्योंकि मंगल वो कार्य करवा रहे हैं। अच्छा है व्यवसाय व्यापारी लोगों के लिए, अच्छा है जो भी चीजें होंगी थोड़ा सा जल्दी में होंगी, कई बार ऐसा लगेगा कि काम नहीं आ रहा और अचानक से काम आ जाएगा आपके पास, तो यह महीना कुछ ऐसे ही संकेत लेकर आ रहा है। देखूं तो 70% लगभग आपके लिए यह महीना कर्म क्षेत्र की ओर से पॉजिटिव है, 30% कुछ चीजें
क्योंकि देखा जाए तो ग्रह गोचर जो हो रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार का है कि वो प्रभावित करेगा। जैसे बुध भी 3 बार स्थितियां बदल रहे हैं और मंगल पूरे महीने ही विराजमान रहे हैं, शुक्र की जो स्थिति है वो भी नीच राशि में जाने वाली है। तो लगभग 70% आपके यह फेवर में है जो कि हमारे कर्क राशि के व्यापार और व्यवसाय करने वाले हैं। धन आगमन भी आपको इस समय पर होगा और क्योंकि राहु की स्थिति धन भाव में बनी हुई है तो यहाँ पर धन का मेरे को आगमन बहुत अच्छे होते हुए दिख रहा है आपके व्यवसाय के क्षेत्र से, स्पेशली जो व्यवसाय करते हैं उनके दृष्टिकोण से अच्छा है मेरे हिसाब से कुल मिलाकर। तो चलिए यहां पर अब आगे बढ़ते हैं हम नौकरी की ओर। देखिए नौकरी पेशा लोगों के दृष्टिकोण से देखूं मैं तो स्वामित्व मंगल के हाथ में ही जाता है। मंगल सूर्य के साथ रहने वाले हैं, उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग मिलता दिख रहा है, उनका आपको उनकी सहायता आपको मिल रही है और कहीं ना कहीं जब उच्चाधिकारी वर्ग हमारे साथ होता है तो हमें बहुत प्रकार के लाभ मिलते हैं और उसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं बेनिफिट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, किस स्थान पर नौकरी करनी है, किस स्थिति में नौकरी करनी है और उससे जो आपको पारिश्रमिक प्राप्त होना है, जो एक तरीके से सैलरी के रूप में वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं उच्चाधिकारी वर्ग के हाथ में रहता है। तो इस समय ऐसा मुझे लगता है सूर्य की स्थिति के कारण ये लाभ आपको होगा और इससे आप लाभान्वित भी होंगे। तो कुल मिलाकर नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा है, थोड़ा सा प्रेशर भी आपके जो गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए बनेगा, चाहे आप किसी भी नौकरी में हो, थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर भी रहेगा कि हमने भाई सब आपके हिसाब से कर दिया है तो आप भी हमारे हिसाब से चीजों को हमें सेटिस्फाई करने के लायक बनाइए। तो कुल मिला के ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा संभल के चलिएगा क्योंकि जहां पर आपको कोई अच्छा स्थान प्राप्त होता है तो वहां पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए आप अपने जो निर्णय लेने हैं उनको लें। तो चलिए यहां से नौकरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीवन साथी। यदि आप विवाहित हैं तो केवल आपके लिए है ये। देखिए सप्तम भाव का स्वामित्व शनि के पास है, शनि सप्तम भाव में ही विराजमान है और स्थिति अगर मैं देखूं मंगल की और अन्य ग्रहों की और शुक्र की, क्योंकि विवाह का संबंध कहीं ना कहीं एक प्रकार से शुक्र भी देखा जाता है और गृहस्थी से संबंधित कई चीजें बृहस्पति से भी देखी जाती हैं। तो देखिए बृहस्पति तो अष्टम भाव में विराजमान है, कारक जो विवाह के और प्रेम जो होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में एक प्रकार से प्रेम भावना जो होती है, शुक्र उनके कारक हैं, वो 10 तारीख तक तो ठीक है, 10 तारीख के बाद नीच राशि में आने वाले हैं, खराब स्थिति में है। तो 10 तारीख तक चीजें कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छी है, 10 तारीख के बाद स्थितियों में परिवर्तन होगा। जीवन साथी का यहाँ पर स्वास्थ्य भी गड़बड़ा सकता है, उसके बिहेवियर में भी परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है आपका जीवन साथी, थोड़ा अपने कार्यों को लेकर और अन्य कई परेशानियों के कारण उसके जो है कि व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। शुक्र का गोचर काल जैसे ही समाप्त होगा इस माह के साथ, वैसे ही कहीं ना कहीं यह जो नेगेटिव प्रभाव है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम होता चला जाएगा। इस समय पर अपने स्वभाव को अच्छा रखें, यदि आपको लगता भी है कि जीवन साथी के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो थोड़ा सा उन्हें समय दें और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ना लें या फिर कोई किसी बहस की स्थिति में ना पहुंचे। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस समय पे जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए और उनकी जो जरूरत है उनसे बात करिए कि भाई अगर कोई परेशानी है तो आप मेरे से डिस्कस करें और डिस्कस करके उस चीज को एक तरीके से अपने आप की परेशानी मत बढ़ाइए, उसको डिस्कस करके खत्म करें। कुल मिलाकर यहां पर जीवन साथी की हमारी चर्चा हो गई, अब हम आगे चलेंगे प्रेम संबंध। मित्रों प्रेम संबंधों के लिए जो भाव होता है वो है पंचम भाव। पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पूरा महीना बैठने वाले हैं आपके द्वितीय स्थान पर सिंह राशि में, सूर्य की राशि है। सूर्य भी यहां पर 17 तारीख के बाद बैठ जाएंगे, शुक्र यहां पहले से लगभग विराजमान है और बुध ग्रह भी 8 तारीख तक विराजमान है। स्थिति काफी डामाडोल वाली रहेगी इस समय पर, क्योंकि शुक्र भी नीच में जा रहे हैं जो प्रेम के कारक ग्रह हैं, वो भी 10 तारीख के बाद से अपनी नीच राशि में जाएंगे तो प्रभाव बनाएंगे। प्रेम संबंधों में है
तो ध्यान रखिए चीजों का, सेंसिटिव टाइम है, वाणी का प्रयोग बहुत ध्यान से करिए, और कभी भी कोई डिस्कशन करना है तो अपने मन में मत करते रहिए, अपने आप से मत करते रहिए, या फिर अन्य मित्रों से मत करिए, उसको उससे जाकर डिस्कस करिए जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे जिसके साथ आप संबंध में हैं। अगर यहाँ पर आप किसी और के पास, क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है इसमें कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा डिस्कशन किसी और मित्र से, अपने तीसरे मित्र से कर रहे हैं जो आप दोनों का मित्र है, और वहां पर जब आप वो बात बता रहे हैं तो वो बात आपके प्रेमी तक पहुंचेगी और वहां पर जाकर बात बिगड़ सकती है। तो मैं आपको यहां राय देना चाहूंगा, यदि कोई समस्या है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप उसे डायरेक्ट जाकर आमने सामने बैठ के सुलझाएं, किसी तीसरे व्यक्ति के बीच में मध्यस्थता ना करने का मौका दें किसी को भी, नहीं तो यह आपके लिए खराब होगा। कुल मिला के सावधानी बरतने वाला महीना है प्रेम संबंधों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र से भी स्टेबल दिख रहा है भाव, क्योंकि मंगल से संबंधित है शिक्षा अगस्त के महीने में, और अपनी मित्र राशि में विराजमान है मंगल। हालांकि चंद्रमा से स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सूर्य के साथ है, अपने राजा के घर में सेनापति है, डिसिप्लिन है, शिक्षा के क्षेत्र के लिए स्पेशली ठीक है, स्टेबिलिटी आती दिख रही है मुझे। निकट भविष्य में अच्छे अगर एग्जाम होते हैं आगे किसी भी तरीके से, तो आपके पक्ष में चीजें आती दिख रही हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन लोगों ने अपना इस टाइम पे फॉर्म भरा है या फिर अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए भी यह अच्छा समय हो सकता है। और फिजिकली फिजिकल एग्जाम के लिए भी अगर आपने इस समय पर कोई आपका एग्जाम होना है इस महीने में, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा होने वाला है आपका, क्योंकि मंगल यहाँ पर सूर्य के घर में है, तो काफी अच्छा फिजिकल के एंगल से देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी और भी एंगल देखे जाए तो पॉजिटिव मुझे लगते हैं इस समय पर, केवल और केवल अगर शिक्षा के एंगल से हम देखें मंगल की स्थिति को। यहां से बृहस्पति भी देख रहे हैं मंगल को, तो शिक्षा के क्षेत्र से बहुत अच्छा मुझे लगता है ये। तो सभी जो भी बच्चे हैं, पढ़ाई में जो भी नुकसान हुआ है, इस समय पर उसे कवर अप करें, मेहनत करें। तो चलिए शिक्षा से आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव इफेक्ट मुझे आता नहीं दिख रहा है, क्योंकि शनि भी यदि सप्तम भाव में आपके बैठे हैं तो स्वराशि में होके बैठे हैं, यहां पर बस अगर मेरे को थोड़ा बहुत प्रभाव लगता है तो वो हड्डियों का, दांतों का और कानों का, ऐसा लगता है नेत्र, कान और हड्डियां और दांत, ये आपके प्रभावित हो सकते हैं। इसको अगर छोटे शब्द में हम समझें तो ईएनटी प्रभावित हो सकता है, और स्पेशली हड्डी रोगों से आप परेशान हो सकते हैं इस समय। बाकी इस समय जैसे कि छोटा मोटा हड्डी, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ छोटा मोटा, जैसे कि बरसात में फिसल जाना या पैर कहीं पर स्लिप हो जाना और कहीं पर चोट लग जाना किसी हड्डी पर, तो यह भी चीजें हो सकती हैं। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है कि जिसके लिए परेशान होने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हम ज्योतिषीय उपाय। देखिए सारी चीजें हमने यहां पर समझी, और अब अंत में हम निचोड़ की तरफ चलें कि भाई ठीक है, परेशानियां भी आ रही हैं तो उसके साथ कुछ अच्छाइयां भी आ रही हैं, उन जो परेशानियां आ रही हैं उनको कैसे सॉल्व करें, वो चीजें हम ज्योतिषीय उपचार और उपाय के अंदर आपको बताते हैं। देखिए यहां पर हमें जो शनि है, शनि की स्थिति कहीं ना कहीं सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव होता है सहायक मार्केश का भाव भी होता है, हालांकि अपनी स्वराशि में विद्यमान है, पर लेकिन थोड़ी बड़ी मतलब यहां पर क्या है कि चोट भटाक के योग आपके बन जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, कर्क राशि वाले जरूर जाएं शनि मंदिर में जाके छाया दान करें सरसों के तेल में, ये बहुत अच्छा उपाय सिद्ध होगा इस माह में आपके लिए स्पेशली। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था प्रेम संबंध इस समय पर प्रभावित हो रहे हैं, सुख भाव भी आपका प्रभावित हो रहा है क्योंकि शुक्र जाएंगे नीच राशि में, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन गौ माता को हरी चीजें, जैसे आप पालक का भोग लगाएं और घास खिला सकते हैं जो गौ माता खाती है उनका चारे में, तो ये आपको जो भोग लगाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्रवार के दिन एक चीज और भी आप कर सकते हैं कि आटे का एक गोला बना लीजिए,
और उसको भी आप गौ माता को खिला सकते हैं, इससे भी जो शुक्र का नीच में जाने का प्रभाव है वो कम होगा। बाकी यहां पर और कोई विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं है, इतना करने से आपको अगर दिक्कत होती है तो आपको परिवर्तन होते भी दिख जाएंगे। इसी के साथ हम आप सभी से आज्ञा चाहते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको समय से जो कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाए। दूसरी मेन चीज, COVID-19 चल रहा है, मास्क, बाहर जाते हैं अगर आप किसी काम से तो मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, 2-3 गज की दूरी जो है वो मेंटेन करें और वैक्सीनेशन जरूर लगा लें यदि आपने नहीं लगाई है, बहुत जरूरी है। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है, आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान शिव और माता पार्वती आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको अपना आशीर्वाद दें, इस महीने में आपकी जो भी इच्छाएं उन्हें पूरा करें। इसी के साथ भाग्य मंथन में आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, नमो नारायण।